सेहत पर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ नया दिखाएं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएं। इसलिए हमने आपको लेसिक सर्जरी दिखाया कैसे की जाती है, लेज़र से हेयर रिमूवल कैसे किया जाता है ये दिखाया, और तब से हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के, जो ये देखना चाहते हैं कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे की जाती है। हमारे देश में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत ही पॉपुलर है। हर वो इंसान जिसके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, गंजापन हो रहा है समय से पहले, वो इसे कराना चाहता है। पर उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस पूरी सर्जरी को लेकर। ये कैसे की जाती है, कहीं इसमें दर्द तो नहीं होगा, खून तो नहीं बहेगा, बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई रिस्क तो नहीं। और कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि दिल्ली में एक युवा ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसके बाद इस सर्जरी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आज हम आए हैं यूजेनिक्स हेयर साइंसेज गुरुग्राम में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही इस सर्जरी को लेकर आपके मन में जितने सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन सारे सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर्स। हेयर ट्रांसप्लांट वो लोग कर सकते हैं जिनको गंजापन आ चुका है और वहाँ दवाई का कोई रोल नहीं है, मतलब उन्होंने दवाई करी और दवाई से बाल नहीं आ पाए और वह एरिया खाली है। जब बॉल्डनेस या गंजापन एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ गया हो, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्कैल्प पर आप 70-100% हेयर इफ़ यू हैव लॉस्ट, अगर आपके 70-100% बाल जा चुके हैं, तभी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। मेल का ऐसे स्पेस बनता है, ऐसे कॉर्नर बनता है, बट जो यंगस्टर्स होते हैं उनको लगता है स्पेस क्यों बन गया, मैं तो गंजा हो गया, लेकिन नहीं, वो गंजापन नहीं है, वो एक नेचुरल मेल पैटर्न मैच्यूरेशन हो रहा है। तो अगर आपकी समस्या है कि बाल झड़ रहे हैं तो ट्रांसप्लांट नहीं करना है, तब आपको दवाइयाँ करनी है डॉक्टर की कंसल्टेशन में, ताकि वो बाल झड़ने से रुक जाए। अगर किसी को शुगर है और शुगर कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, फिर उसको नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है उसको भी अगर कराना, तो फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराना चाहिए। अगर किसी को कार्डियक इशू है, मान के चले कि ECG का प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की कोई इशू है, तो पहले स्क्रीनिंग होना चाहिए। और भी बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो ठीक नहीं हुए हैं तो उनको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो कोई भी अगर आपको दवाइयाँ चल रही हैं वो आपको हमको बतानी है, जिसमें से हम कुछ दवाइयाँ शायद बंद करना चाहें सर्जरी से पहले। फिर आपको सर्जरी से पहले बाल लंबे ही रखने हैं। कई लोग सर्जरी से पहले डर के मारे पहले ही बाल छोटे करा लेते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बालों में तेल नहीं लगाना है और कोई हेयर कट नहीं कराना है। डेली शैम्पू करते रहिए टिल द डे ऑफ सर्जरी। सर्जरी से पहले आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग भी छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल एंड स्मोकिंग से ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सर्जरी घट सकता है और सर्जरी के रिजल्ट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। कोई प्रोसीजर से पहले पूरा रूटीन जो टेस्ट होते हैं सब टेस्ट करवाते हैं, किडनी लीवर सब कुछ कराते हैं। अगर कोई 40 साल से ज़्यादा उसकी ECG टेस्ट करवाते हैं, और अगर कुछ हिस्ट्री उसकी है और फैमिली में है जिसमें कार्डियक इश्यूज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उसको फिर उसके जो फिजिशियन हैं उनसे या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेते हैं। अनलाइक अदर सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में पेशेंट को एक हैवी ब्रेकफास्ट करना होता है। उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनकी पिक्चर्स लेते हैं सारे एंगल से, और पिक्चर्स लेने के बाद फिर हम उनके जो बॉल्ड एरियाज़ को मार्क करते हैं और उनको एक नई हेयर लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं। जब वो मार्किंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर हम पेशेंट का हेड ट्रिमिंग करते हैं और उसके बाद हम फिर शैम्पू करते हैं। उसको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह मॉर्निंग में देते हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं, और उसके बाद जो मैपिंग एक दिन पहले भी हुई थी, फिर दोबारा मैपिंग करके फिर उसको स्क्रीन में दिखाते हैं।
तो जब पेशेंट ओटी के अंदर आ जाते हैं तो फिर से हम उनके स्कैल्प में एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाते हैं जो कि हम 15 से 20 मिनट रखते हैं ताकि स्कैल्प पूरे तरीके से स्टरलाइज हो जाए। और जब वो स्टरलाइज हो चुका होता है तब हम सबसे पहले लोकल एनेस्थीजिया एडमिनिस्टर करते हैं। लोकल एनेस्थीजिया एडमिनिस्टर करते वक्त वो जो एरिया है जहाँ पे सर्जरी होनी है वो पूरी तरह से सुन हो जाता है। तो उसको सुन करने के लिए हम सबसे थिन नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एक वाइब्रेटर नाम का इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं ताकि पेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकल एनेस्थीजिया कम से कम हो। और जब वो एनेस्थीजिया हो चुका होता है तब हम पेशेंट का पीआरपी इंजेक्शंस भी हम ओटी के अंदर दे देते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है हम स्लिट्स बनाते हैं। स्लिट्स बनाते वक्त हम हर वो एक स्लिट बनाया जाता है जिसमें कि बाल आपका प्लांट किया जाएगा। तो स्लिट की डायरेक्शन, डेप्थ और डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज उसी से आपका फाइनल आर्किटेक्चर उभर के आएगा। हम एक्चुअली बाल नहीं लगाते, बाल जो स्किन के अंदर जो वाला पोर्शन रहता है उसको हम रूट बोलते हैं। टिश्यू के साथ उसके मदर टिश्यू है, उसके कुछ अटैचमेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं, वो टोटल उस एरिया को हम लोग रूट बोलते हैं और उसको मेडिकल टर्म पे हम लोग ग्राफ्ट या फॉलिकल जैसे कुछ बोलते हैं। तो वो करीब करीब 3 to 5 millimeter रहता है, इतना छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे आपने प्लान किया था वैसे एग्जैक्टली लेके आपको लगाते हैं और उसमें लगाने के बाद स्टिचेस नहीं लगते और इतने छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं। तो वो ग्राफ्ट को हम लोग जैसे रखते हैं ब्लड एक्ट करता है ग्लू जैसा और फिर स्किन कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर उसको रोक देता है। तो वो प्रोसेस दिन भर चलता रहता है और जब वो प्रोसेस ख़त्म होता है बाय एंड ऑफ द डे पेशेंट के जितने स्लिट्स बने थे हम उतने ही ग्राफ्ट लगा चुके होते हैं और उसका बॉल्ड एरिया फुल्ली कवर्ड हो चुका होता है। जो बाल निकालने के लिए एरियाज हैं वो हैं बैक साइड ऑफ द स्कैल्प एंड साइड्स, बिकॉज ये जो एरिया है इसको सेफ डोनर जोन भी बोला जाता है, सेफ डोनर एरिया। इसमें जो बाल हैं वो परमानेंट बाल हैं जो गंजेपन के प्रोसेस से अफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम एक्सट्रैक्शन पीछे और साइड से करते हैं। बियर्ड हेयर में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है तो हम दाढ़ी के बाल भी यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए। फिर हम चेस्ट हेयर भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी हमने लेग हेयर, आर्म हेयर भी यूज़ किए हुए हैं, बट लेग और आर्म हेयर का सक्सेस काफ़ी कम है। सर्जरी के बाद शुरू के 7 दिन तक आप जो है उस एरिया को टच नहीं करेंगे, ये कोई चोट नहीं लगना चाहिए। अगर कुछ कुछ डिफिकल्ट एरियाज है जैसे क्राउन है, टेम्पल पे बाल लगाएं तो आप लेफ्ट पे नहीं सोना, नहीं तो रगड़ लग जाएगी। यू नो क्राउन पे है तो फिर हम बोलते हैं कि इसको हेड को तो अप करके ट्रैवल पिल लगा के सोना। कोई भी अगर चोट लगेगी ट्रांसप्लांटेड जोन में, जैसे कि अगर हाथ लगा प्रेशर के साथ और वो मूव किया, तो जो ग्राफ्ट फ्रेशली प्लांटेड हैं वो निकल सकते हैं अपनी रूट से और फिर वो एरिया बॉल्ड रह जाएगा, वहाँ पे सर्जरी फेल हो जाएगी। तो जो ऑपरेटेड एरिया है उसको चोट और खरोंच से बचाना बहुत ज़रूरी है 7 दिन तक। फिर हम बताते हैं हेवी एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 4-5 दिन तक नहीं करना। सर्जरी के 7वें दिन बाद वो रूट्स अपनी जड़ अच्छे से पकड़ लेती हैं, उसके बाद वो रिस्क खत्म है। सनलाइट में, बड़ा हार्श सनलाइट में बिना कैप के ना जाओ। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं जो कि 5 दिन की जाती है और पीछे के लिए हम एंटीसेप्टिक शैम्पू देते हैं जो आपको 5 दिन यूज़ करना है और आगे के लिए हम एक स्प्रे देते हैं ताकि ये एरिया मॉइस्ट रहे और हीलिंग फास्ट हो। तो आपको वो स्प्रे फ्रंट में गेट करना है। ये डिपेंड करता है कि बॉल्डनेस एरिया कितना है। अगर बॉल्डनेस एरिया थोड़ा सा है, मान लीजिए सिर्फ फ्रंट का थोड़ा सा गया है जिसमें लगभग 2 to 2500 ग्राफ्ट लगेंगे तो वो 1 दिन में हो जाता है। पर अगर बॉल्डनेस ज़्यादा है यानी कि 2/3 एरिया ऑन द टॉप को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें 2 दिन लग सकते हैं, 2 consecutive days, यानी 2-2500 फ्रंट में और 2000 मिड में। बट अगर कोई फुल्ली बॉल्ड है यानी फ्रंट, मिड और क्राउन भी चला गया है तब उस प्रोसीजर में 3 दिन भी लग सकते हैं, 2000 और 2000, 6 to 6500 ग्राफ्ट लग सकते हैं, तब उस प्रोसेस में ज़्यादा समय लगेगा। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है बट उसमें पेशेंट सिलेक्शन एंड पेशेंट बेसलाइन फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो पेशेंट को कोई अनकंट्रोल्ड बीपी या अनकंट्रोल्ड शुगर की समस्या नहीं होनी चाहिए बिकॉज इन दोनों सिचुएशंस में आपको सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस हो सकती हैं, आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है और सर्जरी करने में दिक्कतें आ सकती हैं। मान लीजिए किसी को हार्ट में एरिथमिया की दिक्कत है तो फिर उनको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अगर उनको किसी भी दवाई से एलर्जी है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान दी जाती है
तो उस केस में उनको एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं और उसी केस में आपको वो जो है दवाइयाँ जानलेवा हो सकती हैं। जो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकती हैं वो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे सर्जरी हुई है, जहाँ बाल लगाए हैं, जहाँ से बाल निकाले हैं, वह हल्का फुल्का पेन टेंडरनेस हो सकता है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फर्स्ट टू नाइट्स के लिए वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लड निकल सकता है, ओजिंग हो सकती है। सो ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस देखी गई है। सर्जरी के बाद बहुत ओकेजनली हमारे हाथ में भी हुआ है कि भाई पेशेंट का 100% जो सेंसेशन पूरा आया नहीं है एक डेढ़ महीने तक, बट ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड हैं, ये कोई हेल्थ और लाइफ के लिए रिस्क नहीं है। ये पूरा हर इंसान के लिए अलग अलग है। कुछ कुछ केसेस में है, जैसे अगर आपने पीछे से निकाले उन्हीं बालों को जो बाल जो है जा सकते थे पीछे से भी, जिनके एक्सट्रीम बॉल्डनेस रहता है, पीछे के बाल भी अफेक्टेड होते हैं बॉल्डनेस से, तो अगर उनको मैंने निकाल के कहीं लगा दिए तो जब इनकी बारी आएगी, पीछे वाली एरिया की बारी आएगी पतले होने का, तो वहाँ से जो निकाल के जहाँ लगाए तो भी पतले होंगे, आगे जाके ट्रांसप्लांटेड बाल भी हल्के होने शुरू हो जाएंगे, वो पूरी तरह बॉल्ड नहीं होंगे बट वो हल्के होने शुरू हो जाएंगे। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है हमेशा के लिए परमानेंट है, हर केस में नहीं है, हर इंसान का अलग कस्टमाइजेशन है। देखिए, अगर किसी का लाइफस्टाइल सही नहीं है, वो नींद पूरी ठीक से नहीं लेते, डाइट अच्छे से नहीं फॉलो करते और गंजेपन को फर्दर फैलने से रोकने के लिए दवाइयाँ नहीं लेते, तो क्या होगा कि आपने यहाँ तो ट्रांसप्लांट कर लिया बट गंजापन क्योंकि फैल रहा है तो ट्रांसप्लांट के पीछे वाली जगह नहीं खाली हो सकती है, फिर नए एरियाज ऑफ बॉल्डनेस में आपको फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। देखिए, अगर कोई केवल फ्रंटल एरिया में बॉल्ड है, किसी का बॉल्डनेस है, तो उसमें आपका खर्चा मिनिमम 1-1.5 लाख के करीब आ जाएगा, बट अगर कोई ज़्यादा फुली बॉल्ड है तो उनका खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंटर पे करा रहे हैं, उनका 4-6 लाख में भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी आ सकता है, 10-12 लाख के करीब भी आ सकता है अगर कोई फुली बॉल्ड है। एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे की जाती है आज आपने बहुत ही तफसील से देख लिया स्टेप बाय स्टेप, और आपके मन में जो भी सवाल थे उम्मीद है उन सब के जवाब आपको मिल गए होंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्या नया आप देखना चाहते हैं उसके सजेशंस भी ज़रूर दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।